गाइज गुड मॉर्निंग। सो आज हम कर रहे हैं चार धाम यात्रा की तैयारी और अभी हम दिल्ली में हैं, पैकिंग कर रहे हैं होटल्स में। सो आपको दिखाते हैं पैकिंग में क्या क्या सामान है। साथ में ये सैम जी हैं। हाय गुड मॉर्निंग सर। ये है नपसेक और एक छोटा नपसेक है और इसमें हमारा जो है ये मेडिकल किट है और आपका क्लोथिंग हो गया, जैकेट हो गई, सॉक्स हो गए, कैप हो गई, टॉवल्स। और ये हमारे गुरु भाई हैं। हाय सर, जो हमारे साथ में रहेंगे पूरी जर्नी में। और हमने 8:30 पे ग्रुप रिसीव करना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो मिलते हैं आपको। भाई ये हैं दवाइयाँ मेडिकल की। हाँ जी, हो चुकी है चार धाम यात्रा की पैकिंग और सो आज हम निकलेंगे हरिद्वार। हे गाइस, सो अभी हम हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और यहां से हम चार धाम का ग्रुप पिकअप करेंगे। चलिए गाइस, सो निकलने की तैयारी में हैं। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार और हम होटल में चेक इन हो चुके हैं और ये होटल रूम। होटल का रेस्टोरेंट। सो गाइज, अभी हम हैं हर की पैड़ी पे और आज का डे फर्स्ट हमारा चार धाम यात्रा का हरिद्वार स्टेट। और अभी हम दिखाएंगे आपको इवनिंग में गंगा आरती। और अभी हम हैं हर की पैड़ी घाट पे। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। तो अभी हमें हर की पैड़ी हरिद्वार में और यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ लग रही है। ये सारे चार धाम यात्रा की तैयारी में है और हमारा डे फर्स्ट है। डे फर्स्ट को हम आज हरिद्वार में रुके हैं और हरिद्वार से हम कल निकलेंगे बड़कूट। आज अभी हम इवनिंग आरती में दिखाएंगे आपको। مشرد سنا گدم منا داوش مشرد مشیر اسم بانم دب من یشگن و ملا مشرد مدن آگوش من ربگیم مشرد مدن آگوش من ربگیم مشرد مدن آگوش من ربگیم مشرد سنا گدم منا कृष्णाय वासुदेवाय देवकी वंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी वंदनाय च नंद गोप कुमाराय देवकी वंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी वंदनाय च। देख
हाय गुड मॉर्निंग। सो डे सेकेंड हम मूव कर रहे हैं बड़कोट की तरफ और हमारे साथ हैं सैम जी, गुरु भाई। ये हमारे गुरु भाई यात्रा के नारायण हार, और ये हमारे सैम जी। हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आप बताइए कितना टाइम लगेगा बड़कोट पहुंचने में? बड़कोट पहुंचने में यहाँ से 5 से 6 घंटे का टाइम कम लग जाएगा, और अभी रास्ते में एक कैप्टिव हॉल का विजिट हो, और कुछ लोगों का जैसे गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया तो कुछ लोगों का तो कम है, बाकी उनका कुछ का ऑफलाइन रहेंगे हम अपना बड़कोट में। तो बड़कोट पहुंचते पहुंचते हमें लग जाएगा कम से कम 6 to 7 hours का टाइम लेके चलिए, क्योंकि वहाँ पे रिवर साइड में क्या आपके पास स्टे है, और फिर कल का प्लान हम मई रात को बैठ के आपको अपडेट कर देंगे कि हमें क्या हो गया। अभी हम पहुंचे हैं डामठा मार्केट, और डामठा जौनपुर में पड़ता है, जौनपुर टेरी गढ़वाल। और अभी यहां से जो है बड़कोट 40 किलोमीटर है, जहां पे आज का सेकेंड डे का नाइट स्टे है हमारा। और यहां पे लंच कर रहे हैं। हाय, सो हम हैं अभी डामठा में, और डामठा जो है टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये हमारे यहाँ साथ में लोकल सचिन भाई। तो भाई अभी हम निकले हैं डामठा से। तो ये है बन्नी घाट, और ये हम यमुना जी के किनारे हैं। यहाँ पे ये यमुना जी का किनारा, बहुत अच्छा शांत। अभी हमें बड़कोट में, और यहाँ पे जो है चार धाम रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ लोग छूट गए थे। सो गाइज, ये है यमुना नदी, और यहाँ पे आज बड़कोट में हम लोग रुके हुए हैं, कैंप रिवर व्यू, और बिल्कुल यमुना के किनारे हैं। और ये यमुना
यमुना का व्यू। और कल हम यहाँ से 36 किलोमीटर ड्राइव करेंगे और 4 किलोमीटर का ट्रैक यमुनोत्री। सो आपको मिलते हैं कल। अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं चाय की चुस्कियों के साथ यमुना नदी के किनारे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हिमालयन लेजर्स। सो गाइज, आज डे 3 और हम पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी। और यहां से जो है यमुनोत्री आपका 5 किलोमीटर ट्रैक है और यहां से पथ यात्रा शुरू होती है। सो आपको आगे दिखाते हैं जानकी चट्टी का व्यू। सो गाइज, ये है जानकी चट्टी का व्यू और यहां पे जो है पार्किंग स्टैंड है। अभी हम यहां पे उतरे हैं और हम बेसिकली पड़कूट से चले थे 4 बजे और तभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं टाइम से। और भीड़ भी काफ़ी लग रही है, बाकी आपको आगे दिखाते हैं। और यहाँ पे जो है जो ट्रैक की करवाए हैं उसके लिए घोड़ा एंड पालकी की सुविधा भी है। घोड़े में बिठा के भी ट्रैक कर सकते हैं और पालकी में भी, पालकी में ले जाते हैं। सामने तो ये हमारे सैम जी और इनके सौजन्य से आज हम यमुनोत्री। सो गाइज, 1.5। सो हमारा यमुनोत्री धाम होने वाला है, हम बिल्कुल पास में ही हैं, यहाँ से 600 मीटर दूरी का यमुनोत्री धाम है। और आज देखा जाए बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सामने टेंपल यमुना नदी के तट पे। यमुना आसपास की दुकानें हैं, यहाँ से प्रसाद ले सकते हो यमुना जी के लिए। और बहुत ज़्यादा भीड़ है।
और ये यमुना जी धाम, बिल्कुल यमुना के तट पे, चारों धाम में से भाई एक धाम ये है दोस्तों। दोस्तों ये बिल्कुल यमुना नदी के किनारे और माँ यमुना जी के तट पे। ये है यमुना जी का, यमुना जी धाम, और ये देखिए यमुना टेम्पल से। और यहाँ पे आगे जो है काफी भीड़ है, यहाँ पे जो है गर्म कुंड है। कैसे जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गर्म कुंड भी है लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है।